गरुड़ पुत्र। कसके कुछ और कसके ताकत बढ़ाओ। मैं जानती हूं बाबा, यदि मेरे पुत्र के मन में अहंकार के ये बीज प्रभु विष्णु की इच्छा से आए हैं तो इसके पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। गरुड़ मेरे सिखाए संस्कारों को भुलाकर अहंकार के गड्ढे में गिर गया है। ये जानकर मुझे भी निराशा अवश्य हुई है, पर कभी कभी एक छोटी सी निराशा हमें बहुत बड़ी पराजय से बचा लेती है। पर दोष तो मेरा ही है ना बाबा, मैं ये मान बैठी थी कि मेरा पुत्र कभी कोई भूल नहीं कर सकता, पर आज ये सब जानकर मेरी आंखें खुल गई हैं। इसीलिए धन्यवाद दे रही हूँ प्रभु को। अद्भुत है इनका विश्वास, अद्भुत है इनकी भक्ति। इतना दुख पाकर भी इसे आपका आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर रही है। ये भक्तों की ऐसी भक्ति ही मुझे भगवान बना देती। जिस पुत्र की देवी विंता जैसी मां हो, बुराई भले ही उसको छू ले पर उसके हृदय में स्थान नहीं बना सकती। माँ, अहंकार पतन का कारण होता है। अपने चारों ओर देख करें, कुछ वृक्ष अहंकार से तने खड़े हैं, किंतु कुछ वृक्ष स्वाभिमान और विनम्रता का संतुलन स्थापित कर वायु के साथ झूल रहे हैं। जब आंधी आएगी तो तने हुए शीश वाले वृक्ष धूल में मिल जाएंगे, परंतु अपने लचीलेपन के कारण विनम्र वृक्ष वायु के वेग के साथ झुक जाएंगे और आंधी बीत जाने पर फिर से खड़े हो जाएंगे। मंद्राचल पर्वत को भले ही मैं यहाँ पर उठा कर लाया, परंतु इसे मथना तो देवता और दानवों को ही है, और यदि आप मेरे साथ नहीं चले मैं आपको बलपूर्वक उठा कर ले जाऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैं आपके दिए संस्कारों को भूल गया। क्षमा कर दीजिए वासुकी भैया, मैं आपको समझने में बहुत बड़ी भूल कर बैठा। प्रभु विष्णु ने मुझ पर विश्वास करके मुझे इस महायज्ञ का भागीदार बनाया और मैंने प्रभु को निराश कर दिया। अभी तो केवल इस दास ने अपनी नाग भूमि पर रगड़ी है, पर उन देवों और दानों का शीश मेरे सामने झुकना शेष है अभी। देख क्या रही हैं आप? इतना खास रही थी कि हम दोनों चैन से विश्राम भी नहीं कर पा रहे थे। अब चुपचाप ये जल लीजिए और पीजिए ताकि आपका कर्कश स्वर बंद हो सके और हमारे कानों को आराम मिल सके। लीजिए, पी लीजिए। अब मुझे पता लगा ये गरुड़ आसमान में इतना ऊंचा क्यों उड़ लेता है। हाँ तक तू किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य करके और उपकार करके कितना हल्का हल्का अनुभव होता है। हाँ, और गरुड़ तो सबके लिए ही अच्छा सोचता है और सबके लिए अच्छा करता भी है। अच्छा है ना कि गुरु दत्तात्रेय स्वयं यहाँ आए हैं। उनके यहाँ आने के कारण ही हमें इतना अच्छा अनुभव हो पाया है। सचमुच अद्भुत है। जिस कुटिया के आसपास मैं और तक्षक भैया पहुंच भी नहीं पा रहे, ये दोनों वहां आराम से घूम रहे हैं। गरुड़ पुत्र मैं अपना उत्तरदायित्व निभाने में असफल रहा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रायश्चित की इन आंसुओं ने तुम्हारे अहंकार को धो दिया है गरुड़। हे नागश्रेष्ठ, आपने गरुड़ का अहंकार तोड़कर उसे सीख दे दी है। आप कृपा करके इसे छोड़ दें और हमारे साथ चलें। वासुकी चाहे तो भी हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। गरुड़ ने इन्हें अपने साथ ऐसे उलझा लिया है कि वो स्वयं अपनी गांठें नहीं खोल पा रही हैं। इन्हें सहायता की आवश्यकता है। असुरराज, आप वासुकी की सहायता क्यों नहीं करते? संकट के समय सदैव हम असुरों की ही स्मृति क्यों होती है? आपको देवराज इंद्र को प्रयास करना चाहिए। वैसे भी बहुत विश्वास के साथ कहा था इन्होंने कि यही वासुकी को वापस लेकर आएंगे। ये घोषणा तो आप असुरों ने भी की थी असुरराज। आप ही ने तो कहा था कि वासुकी भी आपकी तरह शिव भक्त है और आप ही उन्हें लेने जाएंगे। पुत्र शांत हो जाओ, तुम्हारे सुलझाने से समस्या नहीं सुलझेगी। कद्रू, जब तक तुम वासुकी को अनुमति नहीं दोगी, उसे यहां से ले जाना संभव नहीं है। मैं जानती हूं दीदी, आप सभी को यही लग रहा है ना कि मैं प्रभु विष्णु के कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रही हूं, किंतु ऐसा नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मेरे पुत्र को इतने महान यज्ञ में योगदान करने का अवसर मिल रहा है। पर क्या देवी? पर एक माँ का हृदय अपने सभी पुत्रों के लिए चिंतित रहता है। मुझे केवल एक ही बात का भय है कि कहीं मेरा एक पुत्र मेरे अन्य सभी पुत्रों की मृत्यु का कारण ना बन जाए। कद्रू, ये कैसी अनर्गल बातें कर रही हो तुम? क्यों, क्या ये सत्य नहीं है कि देवता और दानव मेरे वासुकी को दो विपरीत दिशाओं में खींचेंगे ताकि वो शीर सागर का मंथन कर सके और उन्हें अमृत प्राप्त हो सके? दानवों के पास पहले से ही संजीवनी विद्या है, फिर भी वो अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन में भागीदार बन गए ताकि केवल देवता मृत्यु पर जीत पाकर अमर ना हो जाए। पर मेरे पुत्रों का क्या दीदी? क्या उन्हें इसमें समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्षमा कीजिए विमाता कद्रू, पर अमृत के लिए सबसे अधिक योग्य हम देवता हैं। संजीवनी विद्या हमारे गुरुदेव की तपस्या का फल है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अमृत पर अपना अधिकार छोड़ दें। अभी समुद्र मंथन आरंभ भी नहीं हुआ है, लेकिन आप सबके हृदय में उसे पाने की इतनी तीव्र इच्छा हो गई कि आप सब भूल गए कि अमृत ही समुद्र मंथन का एकमात्र उद्देश्य नहीं है, जबकि धर्म के अनुसार आप सभी को अपना अपना कार्य करना चाहिए और फल की चिंता प्रभु विष्णु पर छोड़ देनी चाहिए। आप सब जानते हैं प्रभु किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, सबको उनके कर्मों के अनुसार फल अवश्य मिलेगा। सुना तुमने कद्रू, हो गया तुम्हारा मन शांत? क्या हुआ? अब शांत क्यों? कुछ कहते क्यों नहीं? नहीं, क्या चाहती हो? हम सब तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, तुम्हारी आरती उतारे। आरती करने की आवश्यकता नहीं है दीदी, किंतु हाँ, मेरे पुत्रों के लिए समान सम्मान की आवश्यकता अवश्य है जो देवताओं ने दानवों को दिया था। कद्रू उचित कह रही है, जब किसी को किसी से कुछ मांगना हो तो शीश झुकाना ही चाहिए। यही तो मैं चाहती थी कि गरुड़ और सभी देवता असुर मेरे और मेरे पुत्र के सामने शीश झुकाएं। अब समुद्र मंथन में मेरे पुत्र भी सहभागी होंगे और अमृत पर भी उनका अधिकार होगा। क्या हुआ शेष, तुमने दृष्टि क्यों फेर ली? प्रभु, सम्मान तो अर्जित किया जाता है ना, इस प्रकार किसी की विवशता का लाभ उठाकर मांगा नहीं जाता, जैसे मां इस समय कर रही। मुझे लगा था गरुड़ का अहंकार टूटते हुए देख गई, इन्हें भी अपनी भूल का आभास हो जाएगा, पर ये दूसरों की भूल से सीखने के लिए मन में यह आभास भी होना चाहिए कि हम कुछ अनुचित कर रहे हैं। पर देवी कद्रू के दृष्टिकोण से वो जो कुछ भी कर रही है वह उचित ही है। प्रभु, तो फिर मैं ये आशा करता हूं कि गरुड़ की तरह इन्हें भी अपनी भूल का आभास हो जाए। मैं तुझे अनुमति देती हूं पुत्र, गरुड़ को छोड़ दे और जा इनके साथ। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। क्या हुआ पुत्र? मैं गांठ छुड़ाने में तेरी सहायता करती हूं। इसकी पूछ कहां से आरंभ होती है और तन कहां समाप्त होता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। करुण को कष्ट पाते थे कर मैं इतना खो गई थी कि मुझे आभास ही नहीं हुआ कि इस पूरी प्रक्रिया में मेरे पुत्र को कितना कष्ट हो रहा होगा। ये गांठें तो खुल ही नहीं रही हैं। अब क्या होगा भ्राता श्री? जानते हो सत्य क्या है शेष? वासुकी को इस स्थिति में गरुड़ ने नहीं, उसकी अपनी मां ने पहुंचाया। जब माता पिता बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो कभी कभी अपने संतानों के जीवन को अपनी इच्छाओं के जाल से उलझा देते हैं। फिर चाहे वो कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उनकी उलझनों को सुलझा नहीं पाते। तो फिर प्रभु, वासुकी की ये उलझनें कैसे सुलझेंगी? महादेव शिव शंकर की सहायता से एक भक्त को उसके समस्याओं से मुक्ति केवल और केवल उसके आराध्य प्रभु ही दिला सकते हैं। हम सबको मिलकर महादेव की स्तुति करनी चाहिए। हे महादेव शिव शंकर, मेरे पुत्र की सहायता कीजिए। समुद्र मंथन की डोर बनकर प्रभु विष्णु के कार्य में योगदान देना ही इसकी नियति है। कृपया इस पर कृपा कीजिए। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ वासुकी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, समुद्र मंथन पूर्ण होने के उपरांत तुम मेरे पास लौटाओगे। प्रभु, आपने ये वरदान देकर संसार का सारा धन दे दिया है मुझे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए महादेव, मुझे मेरे शिव मिल गए, अमृत मिल गया मुझे। शस्त्र के बल पर ही पुरुषार्थ करने वाले विजयी होकर इस पृथ्वी का भोग करते हैं। इसलिए तुम सबको इतना शक्तिशाली बनना होगा कि सबको पराजित करके स्त्रोत पर अपना राज स्थापित कर सको। मैं चाहे कितनी भी सीख दे दूं अपने पुत्रों को, पर स्वर तो वो विद्या के ही बोलते हैं। वासुकी कैसे अमृत के लिए मना कर सकता है? किंतु मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे बाकी पुत्रों को अमृत प्राप्त हो सके।